नाउ यू आर स्टडिंग हाउ टू राइट नोटिस एंड एजेंडा. तो बिजनेस कम्युनिकेशन है फर्स्ट सेम टू और इलेवेंथ स्टैंडर्ड को भी. ओके तो लेट्स बिगिन. तो अपना क्वेश्चन क्या दिया है, ड्राफ्ट द नोटिस एंड एजेंडा ऑफ द सिक्स बोर्ड मीटिंग ऑफ द कंपनी, ऑल्सो ड्राफ्ट रिजोल्यूशन. तो नोटिस मीन्स इंफॉर्मेशन दिया जाता है, इंटीमेशन अबाउट द शेयर होल्डर, अबाउट द मीटिंग. एजेंडा मीन्स अ टॉपिक टू बी डिस्कस, थिंग्स टू बी डन, जिस पे डिस्कशन होएगा एजेंडा. एंड रिजोल्यूशन मीन्स डिसीजन टेकन एट द मीटिंग. व्हाट इज रिजोल्यूशन, जो डिसीजन लिया जाता है मीटिंग में. ओके तो कैसे स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले अपने कंपनी का नाम लिखेंगे, ARK प्राइवेट लिमिटेड. तो मैंने अपना ही नाम डाल दिया, फिर गोल्डन हाउस ये एड्रेस डाल दिया, सिल्वर रोड मुंबई, बिहार, डेट डाल दिया, राइट. ये हो गया अपना ओपनिंग, राइट. तो फर्स्ट वी हैव टू ड्राफ्ट द पैराग्राफ. तो व्हाट इज, पहले क्या लिखेंगे, नोटिस एंड एजेंडा, ठीक है. तो नोटिस कैसे लिखेंगे, ओके द सिक्स बोर्ड मीटिंग. आपको कभी कभी सिक्स के जगह पे आएगा थर्ड बोर्ड मीटिंग, सो एंड सो मीटिंग, तो वो जो बोला है वो डाल देने का, राइट. सिक्स बोर्ड मीटिंग ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, मतलब डायरेक्टर की मीटिंग है, विल बी हेल्ड ऑन मंडे. कभी हेल्ड हो रहा है मंडे मे टू, अभी 2020 लिखा है, अब 2023 डाल देना. ओके एट 10 AM, ओके टाइमिंग, एट द रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी. मीटिंग का है, वी हैव टू मैंशन दी एड्रेस, रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी, टू ट्रांजेक्ट दी फॉलोइंग बिजनेस. ट्रांजेक्ट मतलब जो चीज़ पर डिस्कशन होने वाला है. तो व्हाट आर द एजेंडा, तो ये सब एजेंडा है, जो रेड पेन से लिखा ना ये एजेंडा है. दिस आर द डिस्कशन टू बी हेल्ड इन द मीटिंग. ओके तो व्हाट आर द डिस्कशन, व्हाट आर द एजेंडा ऑफ द कंपनी. फर्स्ट इलेक्शन ऑफ चेयरपर्सन, हु विल बी द चेयरपर्सन, वो इलेक्शन होएगा. ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे, ऑडिटर कौन है, जो हिसाब किताब देखता है अकाउंट्स का, राइट, चेक करता है. बैंकर्स मतलब जो कंपनी का पैसा कलेक्ट करेगा. अंडरराइटर जो गारंटी लेता है, शेयर्स को सब्सक्राइब करा के देगा, खरीद के देगा. कॉमन सील कंपनी का स्टैम्प कैसे रहेगा. प्रोस्पेक्टस मतलब कंपनी का इनविटेशन कार्ड. दे विल डिसाइड द फिक्सिंग द डेट टाइम वेन्यू फॉर द नेक्स्ट मीटिंग, नेक्स्ट मीटिंग का भी डिस्कशन करेगा. एंड एनी अदर मैटर विथ परमिशन ऑफ द चेयर. चेयर मतलब होता है जो चेयरपर्सन है, उसके हिसाब से जो भी डिस्कशन रहेगा वो करेंगे. तो ऐसा तुमको एजेंडा में लिखना है, राइट. आफ्टर द एजेंडा इन द मीटिंग देर विल बी अ रिजोल्यूशन. रिजोल्यूशन मतलब डिसीजन, क्या लोगों ने राय लिया, राय मशवरा क्या है. तो चेयरपर्सन अपना साइन करेगा. फिर रिजोल्यूशन में क्या है, देन मिस्टर रामलाल एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट जो CA है, इस हियरबाय अपॉइंटेड ऑडिटर ऑफ द कंपनी. मतलब ये जो CA फर्म है इन लोग, तो उन लोगों को ऑडिटर बनाया. रिजॉल्व दैट ARK प्राइवेट लिमिटेड, किसी का भी नाम डाल देने का, श्याम डाल देंगे, इस हियर बाय अपॉइंटेड बैंकर ऑफ द कंपनी. श्याम को बैंकर बना दिया है. एक्स को क्या कंपनी ने बना दिया, सेक्रेटरी बना दिया है. और वाई को क्या बना दिया, मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया. तो ये डिसीजन लिया, राइट. ऐसे लिख देने का, रिजॉल्व मीन्स डिसीजन. डायरेक्टर तीन डायरेक्टर होते कंपनी में, अपना साइन कर देंगे. तो इस तरह अपने को नोटिस और एजेंडा ड्राफ्ट करना. ओके यू कैन टेक दिस स्क्रीनशॉट एकदम शॉर्ट में अच्छे से. और ये 8-10 मार्क के आता ही एग्जाम में कंफर्म है, तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ठीक है. जहाँ नोटिस और एजेंडा है, ये फॉर्मेट में आपको आंसर लिख देने का, राइट. डेढ़ पेज में भी लिख देंगे तो अच्छा खासा मार्क्स मिल जाएगा. ओके और बाकी का भी मैंने लेटर्स वीडियो में एक्सप्लेन करा चुका हूँ, तो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा. ओके थैंक यू वेरी मच.